वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड ब्रेड क्रम्स, एकदम मार्केट जैसे, और ये बहुत कम टाइम में घर में बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रम बनाने के लिए हम इस तरीके से ब्रेड लेंगे। ब्रेड हम वाइट या ब्राउन कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, और ब्रेड एक दो दिन पुरानी हो तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाती हैं और ब्रेड क्रम उनसे बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि ब्रेड क्रम कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेड क्रम कैसे बनाते हैं। ब्रेड क्रम बनाने के लिए सबसे पहले हम चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करेंगे, और ये जो ब्रेड की साइड्स है, और जैसे हम सैंडविच के लिए इसकी साइड्स अलग निकालते हैं, इसी तरीके से हम इसकी इस तरीके से साइड्स निकाल देंगे। और ये हमारे पास जो बची हुई ब्रेड की साइड्स होती हैं उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो जो हमारे पास बची हुई ये साइड्स होती हैं ये मैक्सिमम वेस्ट ही जाती है, तो इसको हम ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी जो साइड्स होंगी इससे ब्रेड क्रम बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरीके से इसकी हम सारी ब्रेड्स की साइड्स इसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम इनको ब्रेड क्रम्स के लिए यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सारी साइड्स उसकी काट के अलग कर दी हैं। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, और उसमें हम जितने भी ये कट करके मैंने ब्रेड की साइड्स की हुई हैं अलग, इनको हम इसके अंदर जार के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद अगर ये जो ब्रेड है हमारी, अगर थोड़ा सा हमारी एक दो दिन पुरानी ब्रेड है, तो हम इसको भी इस तरीके से इसके अंदर तोड़ के इसके पीसेस, और इसको इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, और उसमें हम अपने सारे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, और इस तरीके से हम उसको फैला देंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए हमको रोस्ट करना है माइक्रोवेव में। इसको हम पैन में भी कर सकते हैं, क्योंकि पैन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अगर जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो इसे पैन में बना सकता है। पैन में सिर्फ हमें पैन गरम करना है, उसमें ब्रेड क्रम्स डाल के, और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। और इसको रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ब्रेड में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, तो अगर हम इसको रोस्ट करते हैं तो इसको हम 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के। और इसको हम अपने जो भी हमारे स्नैक्स वगैरह हम बनाते हैं उसमें कोटिंग के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने अवन को अपना प्रीहीट कर लिया था, अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हम रोस्ट होने के लिए माइक्रो में रख देंगे। अब ये देखिए, मैंने 5 मिनट्स का टाइम डाल दिया है और इसे स्टार्ट कर दिया। तो अब ये देखिए, हमारे ब्रेड क्रम्स बनके एकदम रेडी हो गए हैं। देखिए, निकाल देते हैं इनको, और ये देखिए, ये एकदम बनके रेडी हो गए। ये इस तरीके से बनेंगे, और इनको जब ये ठंडे हो जाएं तो उसके बाद इनको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए, और इस पर हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर इसको इस पर हवा लगेगी तो इसके क्रंची पन जो इसमें आया है वो ख़राब हो जाएगा, लूज़ हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।